दिल्ली शराब घोटाला में के कविता से आज होगी पूछताछ। ईडी सुबह 11 बजे के कविता से सवाल जवाब करेगी। भले ही ईडी गिरफ्तार करे, केंद्र से लड़ेंगे, केसीआर का ये कहना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की आज ईडी के सामने पेशी हो सकती है। इस मामले में पहले से गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से कविता का आमना सामना कराकर ईडी पूछताछ कर सकती है। कविता को ईडी ने सुबह 11 बजे का सम्मन दिया है। इससे पहले कविता से सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। ये पूछताछ हैदराबाद में उनके घर पर पिछले साल दिसंबर महीने में हुई थी। अब ईडी कविता से सवाल जवाब करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों का आरोप है कि दिल्ली में दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की एंट्री में के कविता का अहम रोल रहा है, जिसे साउथ कार्टेल कहा जा रहा है। आरोप है कि कविता उसी साउथ कार्टेल का हिस्सा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जांच एजेंसियों पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। के चंद्रशेखर राव ने कविता का बचाव करते हुए कहा कि कानूनी और राजनीतिक रूप से केंद्र से लड़ेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं में दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।